देखिए दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर और आज के दिन भी गिरावट का सिलसिला इस स्टॉक में हमें जारी दिखाई दे रहा है। देखिए 10 रुपये 35 पैसे के करीब ये शानदार स्टॉक ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और 2.5% के करीब जो गिरावट है आज के दिन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें बाइंग एंड सेलिंग क्वान्टिटी के बारे में, तो देखिए धमाकेदार सेलिंग यहाँ पर की जा रही है, भयंकर सेलिंग होती हुई दिख रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर। देखिए 6,42,00,000 क्वांटिटी अभी तक सेल हो चुकी है यहाँ पर। वहीं बाइंग की बात करें तो मात्र 2,13,00,000 क्वांटिटी ही बाइंग यहाँ पर होती हुई दिखी है। तो पैनिक सेलिंग की जो रफ्तार है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। बात करें डिलीवरेबल परसेंटेज की, देखिए दोस्तों 48% की डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर उठाई जा रही है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है वोडाफोन से रिलेटेड, फटाफट से डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। तो आपके सामने गुड न्यूज़ जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है, वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स गूगल क्लाउड टू ऑफर SMB प्लान्स। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने गूगल के साथ पार्टनरशिप यहां पर की है जिसमें ये SMB प्लान्स प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने कस्टमर्स को। और देखिए बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए अपने कस्टमर्स को ये गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, ये सारी जो सुविधाएं हैं दोस्तों ये आपको प्रोवाइड जो है वो कराई जाएंगी। तो अच्छा खासा ये आप कह सकते हैं एक पार्टनरशिप होती हुई दिखी है वोडाफोन आइडिया और गूगल के बीच। इससे पहले आपको पता ही होगा दोस्तों एक अच्छी खासी न्यूज़ भी निकल कर आ रही थी कि 29 अक्टूबर तक समय जो दिया था इनको, जिसमें इन्हें डिसाइड करना था 4 ईयर पेमेंट मॉरिटोरियम के बारे में, इन्होंने एक्सेप्ट जो है दोस्तों वो भी कर लिया है वोडाफोन आइडिया ने। तो एक अच्छी दो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी यहाँ पर स्टॉक में ज़रूर आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं यहाँ पर हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। कि दोस्तों आपके सामने हमने वोडाफोन आइडिया का डेली चार्ट लगाया हुआ है। यदि हम देखें तो लगातार इस स्टॉक में एक गिरावट का सिलसिला काफ़ी दिनों से बना हुआ था, लेकिन अब देखें तो एक स्ट्रांगली सपोर्ट नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है 9 रुपये 57 पैसे का। या दोस्तों 9 रुपये 57 पैसे जो ये प्राइस है वो अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ से कल के दिन हमें ग्रीन बुलिश कैंडल भी देखने को मिली थी और आज भी देखें दोस्तों तो अब भी ये ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हो सकता है दोस्तों एक अपमूव आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है और लगातार कंपनी यहाँ पर पॉजिटिविटी बनाते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में दिग्गज स्टॉक शामिल है तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें, अभी बिल्कुल भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रणनीति आपको अपनानी है इस समय दिग्गज स्टॉक वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। आप चाहें तो एक सपोर्ट के तौर पर एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चल सकते हैं 9 रुपये 57 पैसे का। अगर यहाँ से एक अप मूव आती है दोस्तों तो जल्द ही आपको 12 रुपये का टारगेट ये स्टॉक अचीव करता हुआ दिखने वाला है। तो दोस्तों यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।